माय नेम रुपिंदर सिंह एंड मेरे साथ मनप्रीत आया हुआ है। हम रोहन डिपार्टमेंट से आए हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू किडनी केयर सेंटर जो गिव अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड हमारे जहाँ काफ़ी लोगों ने आज प्लेज किया है नियर अबाउट 122 लोगों ने प्लेज किया ऑर्गन्स के लिए। सो हमारे लिए यही इतना काफ़ी बड़ा मैसेज है क्योंकि 122 लोगों ने प्लेज तो किया है बट वो आगे आगे किसी को बताएंगे चेन बनती है ताकि इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा सके आगे इसमें। तो आप बता देते हैं हमारी दो तरह की डेथ होती है ब्रेन डेथ और कार्डिक डेथ। ब्रेन डेथ में क्या होता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं रोड साइड एक्सीडेंट हो गया तो उस समय हम अपने पेशेंट को OT में शिफ्ट किया जाता है नियर बाय जो भी हॉस्पिटल होता है। तो वहाँ हमारी जो कंसल्टेंट होते हैं ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो फैमिली से पूछते हैं भी आपका पेशेंट तो नहीं रहा बट जो इसके ऑर्गन्स हैं किसके काम आ सकते हैं। कई लोग तो बोल देते हैं हाँ जी वैसे भी तो हमने शरीर को जला ही देना ना तो किसके काम आ जाए तो अच्छी बात है। तो एक पर्सन एक डोनर पैनक्रियाज़ हो गया तो इसके बाद होती है कार्डिक डेथ। कार्डिक जैसे हमारी घर में हार्ट अटैक बोलते हैं बेसिकली हम उसमें सिर्फ अपनी स्किन कर सकते हैं और अपनी आईज ऑपरेट कर सकते हैं। उस समय हमारा फॉर्म फिल करने के बाद हमारे कार्ड इशू करते हैं उस कार्ड के जरिए आप लोगों को जागरूक करना भी मरे जाने के बाद अंगदान करें। उस जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसका मतलब ये नहीं भी आपने फॉर्म फिल किया उसको मरे जाने के बाद भी ले ही जाएंगे। कई लोगों को ये मिस होते हैं अभी हाँ भाई ले ही जाएंगे ये जस्ट एक प्लेज जागरूकता के लिए है नॉट फॉर अ कंसेंट। एंड काफ़ी हमारे रिलीजियस मिथ्स भी बहुत है लोगों में जैसे हमारे हिंदू कल्चर में सिख कल्चर में भी हम नहीं करेंगे तो इस मिथ्स के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे रिलीजियस लीडर्स के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं उनके साथ हमारे कैंप्स होते हैं उनको बताते हैं भी वैसे तो शरीर को चला दें किसी के काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। दो सबसे बड़े कारण है मोर देन 50% किडनी फेलियर डायबिटीज़ की वजह से है। लगभग 20% केसेस 20-25% हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक कंडीशन होती है जो मेडिकल टर्म है जिसकी वजह से किडनी फेलियर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पेन किलर इंटेक की वजह से भी हो सकते हैं किडनी स्टोन्स की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकते हैं और कई तरह के इसके कारण हैं। उसमें सावधानियां सर कैसी बरती जा सकती है जी किडनियां डैमेज ना हो इसमें सावधानियां कौन कौन सी बरती जा सकती है? इसके लिए देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मैनेज किया जाए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में करे ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखे रेगुलर चेकअप करवाए जो ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करें पेन किलर जो कि वो ब्लड रिलेशन में ही होने जरूरी है। वो लोग जो जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने बताया ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ये कहता है कि जो ट्रांसप्लांटेशन है ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। तो आम धारणा यही है कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं देगा जो वो फैमिली मेंबर ही हो पाएगा तो उसमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स भी आ सकते हैं या नियर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। टोटली अनरिलेटेड जो है वो वेरी वेरी अनलाइकली कि कमर्शियल इंटरेस्ट के बिना देगी तो वो टोटली इलीगल है अगर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से कोई ऑर्गन डोनेट करता है।